हाय गाइस, मैं हूँ पीयूष और स्वागत है आपका बिल्कुल एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको जो एक मैं नया इम्प्लीमेंट दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है चक्रा। बहुत ही कम लोगों ने जो इसे देखा होगा, हमारे एरिया में जो कॉमनली ज़्यादा चलता है ये। तो वीडियो के अंत में जो है इसके यूज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहें। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये स्वराज 735 ट्रैक्टर है जो कि हमारे रिलेटिव का ट्रैक्टर है। बड़े ट्रैक्टर में जो चक्रा उतने अच्छे से कामयाब नहीं है, चलता नहीं, क्योंकि टायर उसके जो बाहर जाते हैं इनोवा के, और अपनी छोटी गाड़ी जो अभी ख़राब पड़ी हुई है, इस वजह से जो अपन इसको लेके जा रहे हैं अभी अपने खेत में जो चक्रा करने के लिए। तो भैया अपन आ गए हैं अब हाईवे में। यहाँ से जो है अपना गाँव जो है 7 किलोमीटर पड़ता है हाईवे टू हाईवे, और 1 किलोमीटर जो है थोड़ा कच्चा रास्ता पड़ता है, तो टोटल जो है 8 किलोमीटर के लगभग जो अपना गाँव यहाँ पर पड़ेगा। तो पहुँचते हैं अपन खेत तक अपने, फिर दिखाता हूँ आपको मैं चक्रे की यूजेस क्या क्या हैं और कैसे चलता है, आपको डेमो करके दिखाता हूँ मैं। तो ये स्पीड पकड़ा ट्रैक्टर ने, अब भी जो है पहुँचता है ये। तो आइए चलते हैं। तो ये पहुंच गए अपन अपने गांव, जहाँ पे अपना जो सारा सामान वगैरह रख रहता है, बाकी ट्रैक्टर और रोटावेटर और जो भी इम्प्लीमेंट है वहाँ पर। रोक ले। इतना छोड़ दो, छोड़ दो सत्तू भी, इतना छोड़ दो, इमरजेंसी। इधर से लगा ले, इधर से। कोई बैठा तो नहीं है? हाँ आओ। भैया ये चलना चालू हुआ है चक्रा। ये जो है इसके नीचे दो ब्लेड चलती हैं जो काफ़ी हाई आरपीएम में रहती हैं, तो वो जो सारे अवशेष को जो है पीसते और नष्ट करती हुई चलती हैं। इसका मेन यूज़ जो हमारे एरिया में जो धान और मक्की की फसल के अवशेष को जो नष्ट करने के लिए उपयोग में होता है। तो इसमें जो है ज़्यादा नज़दीक जाके मैं इसको आपको शॉट नहीं दिखा सकता, क्योंकि काफ़ी रिस्की होता है ये। पत्थर वगैरह जो है इसमें ब्लेड में लगते हुए चकते रहते हैं, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है काफ़ी रिस्की रहता है ये। और
अगर कुछ लग गई तो लंबी चोट जो है आ सकती है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा पास जाके जो आपको नहीं दिखाता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।